लाइट रिएक्शन या हम इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि लाइट रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन जो कि डे लाइट में हो। जो डे लाइट में होती है उसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, टेक्स प्लेस इन डे लाइट। ये होती है थायलाकॉइड में। ठीक है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये आपको दिखेगी किसमें, थायलाकॉइड में। गॉट इट। थायलाकॉइड अपने आप में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये आ गया इसका इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी बीच की जगह, ये मैं इसको बना रही हूँ, दिस इज थायलाकॉइड। ये ल्यूमेन है जहाँ हम इसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन में दो सिस्टम्स आते हैं, एक आता है फोटोसिस्टम वन फोटोसिस्टम टू। सो फोटोसिस्टम का मतलब होता है जब उसमें बहुत सारी एंटिटीज हैं। फोटोसिस्टम वन 700 नैनोमीटर की लाइट को पकड़ेगा और फोटोसिस्टम टू 680 नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट करता है। हमारे विबग्योर चलता है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो आपकी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है या उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब इस फोटो सिस्टम में आपके दो हिस्से होते हैं, मतलब ये फोटो सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना हुआ, एक होता है ये होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर होता है रिएक्शन सेंटर। जो कि क्लोरोफिल ए से बना होता है। एंटीना मॉलिक्यूल किसी से भी बना होगा, क्लोरोफिल बी सी जैंथोफिल किसी से भी बना होता है। ठीक है, फिर इनके ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। फोटोसिस्टम टू भी ऐसे ही होता है, कुछ एंटीना मॉलिक्यूल से बना होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स भी क्लोरोफिल बी सी किसी से भी बने हो सकते हैं, पर रिएक्शन सेंटर हमेशा किसका बना होगा, क्लोरोफिल ए का। ठीक है, अब ये जो दोनों सेंटर्स हैं ये बने, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम्स, ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थायलाकॉइड है। उसके अंदर
ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे है ये क्लोरोप्लास्ट में थायलाकॉर्ड, थायलाकॉर्ड के अंदर। दोनों फिर फोटोसिस्टम्स पड़े होते हैं। अब जब लाइट आती है तो मान लीजिए ये फोटोसिस्टम वन है, तो जो लाइट आएगी ये लाइट का 700 नैनोमीटर एक्सेप्ट कर लेगा, और ये इट इज़ अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसे हम LHC भी बोलते हैं, कि लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास पहुँचेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्साइट हो जाएगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा, फिर अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा। मान लो ये ब्लू वाले में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बना रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ से जम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर वापस यहाँ पे इसी के पास पहुँच जाएगा। समझे मेरी बात? ये जो रिएक्शन, ये जो तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा रहा है वहीं पे वापस आ रहा है, दिस इज़ योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कि यहाँ से देखो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही सिस्टम काम करेगा। ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपके पास लाइट आई, लाइट इसके ऊपर गिरी, इसके ऊपर गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन आया, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्शन सेंटर से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास गया, फिर सेकंड के पास गया, फिर इसके बाद फिर वापस आ गया। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एनर्जी बनाता है, और उसी एनर्जी का यूज़ करके ATPs बनते हैं। तो साइक्लिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वहीं पर वापस आ गया, जिसे साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब है कि इसमें दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल ये PS2 है, ये नॉर्मल प्लांट्स में होता है, दिस इज़ PS1। सो लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट इस पे पड़ी, ये सेम जो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है वही चीज़ यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे वापस नहीं आया, ये वापस जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, फिर यह है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, B6 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इधर से क्या करेगा, वापस ना आने की बजाय PS1 में चलेगा। देखो PS2 में एंटर की हुआ, यहाँ पे गया, PS इसके पास गया, और इलेक्ट्रॉन वापस ना आने की बजाय वापस किधर चला, किसके पास चला गया, PS1 के पास चला गया। ये होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, नॉट कमिंग बैक टू द सेम सिस्टम, वो कहीं और चला गया, दूसरे वाले सिस्टम में चला गया। बैक्टीरियाज में ये वाला होता है साइक्लिक। ये डे लाइट में रिएक्शन हो रही है, इन रिएक्शंस में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें फोटो सिस्टम्स लगते हैं, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। जिसमें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 लगता है वो होता है आपका प्लांट, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही सिस्टम लगता है वो, उसमें क्या होता है लाइट जो है वो आपकी जो है वो क्या करती है, ऐसे लाइट जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाएगा, एक चेन चलेगी और इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लांट्स में होती है जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, PS2 PS1। ठीक है, वो लाइट आई, लाइट इस पर चली गई, फिर एक्साइट होकर इधर आ गई, फिर इस पर चली गई, फिर PS1 में चली गई, इससे बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दिन में होता है, और लाइट रिएक्शन ये जो जब इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, जो नॉन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये देखो इररेगुलर है, दिस इज़ कॉल्ड जेड स्कीम। तो जेड स्कीम हैपन्स, जेड स्कीम कहाँ पे होती है, जेड स्कीम होती है प्लांट्स में। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 में एंटर करता है बट वापस ना आने की बजाय फोटोसिस्टम 1 में जाता है। फोटोसिस्टम क्या है, इसमें एंटीना मॉलिक्यूल है, इसमें रिएक्शन सेंटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि मिलकर लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। अंडरस्टूड, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं कि लाइट की मदद से केमिकल एक्टिवेट हो रहे, तो वी कैन से फोटोकेमिकल रिएक्शन, हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का क्या क्या प्रोडक्ट है, ATP बनेगा, NADP
H बनेगा, ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है. लाइट रिएक्शन ATP NADPH बनेगा, नॉन तो आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन दो तरह का हो गया. एक हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन एक हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक हो गया नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहाँ से सिस्टम से गया उसी सिस्टम में वापस आ गया, ठीक है, ये होता है बैक्टीरिया में. और इसका क्या प्रोडक्ट है? ATP. ये किस में होता है? ये भी थायलाकॉइड में होता है, ठीक है, पर ये बैक्टीरिया वाला में होता है. कुछ बैक्टीरिया इसका अपना खाना खुद बना लेते हैं. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो आपका प्लांट्स में होता है. इसमें ओनली वन सिस्टम टेक प्लेस, ओनली वन फोटो सिस्टम जो है वो आता है, ठीक है, बोथ फोटो सिस्टम्स. PS1 भी आएगा, PS2 भी आएगा. यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम बैक, इट विल पास टू अनदर फोटो सिस्टम. इसमें है आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है? इसमें ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा. सो ये है आपकी लाइट रिएक्शन. ये मैंने अभी यहाँ पे समझाई है, एक बार इसको देख पढ़ ले, एक बार जब स्कूल आएगा तो मेरे सामने बैठना, मैं उससे और बेटर, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा. फिर भी देख ले एक बार.